वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरं जनों, आज ब्रह्मोत्सव का माताजी के ब्रह्मोत्सव का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस पर माताजी सिंहवाहनारूढ़ा होकर के भक्तों के सामने आ रही हैं। कुछ ही क्षणों में वाहन मंडप में माताजी का वाहन जो तैयार है, उन पर विराजमान होकर के जो आने वाली माता है उनको भक्त देख सकते हैं और तर सकते हैं। भक्तजनों, माता का यह स्वरूप बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिंह के वासन पर, सिंह वाहन पर जो देवी विराजमान होगी, उससे रक्षा का जो भार है और रक्षा का जो रूप है हमारे सामने आएगा माता के द्वारा। माता की रक्षा बहुत ही आवश्यक है, और माता ही नहीं, वेंकटेश्वर जी के साथ भी इसी प्रकार का स्वरूप है। दोनों अलग नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके इन शोभा यात्राओं में आज सिंहवाहनारूढ़ा महादेवी का, पद्मावती देवी का आप सब लोग दर्शन पा रहे हैं। शोभा यात्रा में निकलने से पहले जो विशेष अलंकरण आदि होते हैं वहाँ वाहन मंडप में संपन्न होते हैं, और भक्तजनों के द्वारा, अन्य आचार्यों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना आदि के बाद वाहन मंडप से माताजी त्रिवीथियों में आएंगी। अलंकार प्रिय श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वर लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमल लोचनी श्री पद्मावती कल्मष मोचनी श्री पद्मावती कामित दायिनी श्री पद्मावती कारणकारिणी श्री कमलदलाक्षी श्री पद्मावती कलिमलहारिणी श्री पद्मावती कुमकुम शोभित श्री पद्मावती कोमल रूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी
लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती चंद्रकलाधरी उद्वेल कल्मष परंपरितादमर्शात् उत्तम सितेन हरिमजलिनाप्यदृश्यम् आकस्मकोऽयमधिगम्य यति प्रजानाम् अम्ब त्वदीय करुणापरिणामयेव भक्तजनो देवी का सुंदर दिव्य रूप सिंहासनारूढ़ा देवी लीजिए भक्तजनों की ओर से और आलय मर्यादा की स्थिति में आलय की ओर से यहाँ पर पद्मावती देवी को कर्पूर आरती दी जा रही है। हम ये जानते हैं सिंह वाहन सिंह एक प्रकार से महत्वपूर्ण है इन वाहन सेवाओं में, वह इसलिए सिंह प्रतीक है सत्ता का, सिंह प्रतीक है शक्ति का, सिंह प्रतीक है मृग राज के रूप में। मृगों का राजा है, मृगों में शक्तिशाली सिंह ही है, उनके पास जो तेज जो शीघ्रता जो लक्ष्य वेद्यता का भाव है वह अनन्य है। इसीलिए यह स्वरूप आज हमें दिखाई दे रहा है। माताजी भी उसी प्रकार से भक्तों के रक्षा के लिए भक्तों की अनुकंपा को देने के लिए भक्तों को माताजी दिव्य रूप में सिंहासनारूढ़ा होकर के अभी अभी तिरुवीथियों में चिरतानूर की तिरुवीथियों में भ्रमण करने इन ब्रह्मोत्सवों के सुसंदर्भ में निकल रही है। यह तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस पर यह दर्शन भक्तों को एक प्रकार से विश्वास ढाढ़स देने वाला है। भक्त जनों श्री कृष्ण गीताचार्य ने स्पष्ट कह दिया है मृगाणांच मृगेंद्रो अहम्, मृगों में मैं मृगेंद्र हूँ, मैं सिंह हूँ, वो सिंहवत स्वरूप हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है सभी जंतु जीव जाल में भगवान अपने उस प्रतिष्ठित उग्र रूप के बलशाली रूप के साथ जुड़े हुए हैं ताकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो जाए कि भगवान किसी न किसी प्रकार से हर जीव को अपने अपने शक्ति के अनुशक्ति के प्रदर्शन के द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं और एक प्रकार से अनुपालन करते हैं। यह एक विशिष्ट प्रभाव है और इसमें स्पष्ट है साहस, साहस यहाँ पर घोषित होता है। साहस अधिकतर किसमें है? जीव जंतुओं जंतु समुदाय में, वन्य जंतु समुदाय में सिंह बहुत साहसी है। वह किसी प्रकार से डरता नहीं है और वेग के साथ लपट करके अपने शत्रु पर आक्रमण करता है। यही एक विश्वसनीय गुण है, विश्वस्त गुण है जो भगवान के साथ माताजी के साथ जोड़ दिया गया है। और इसी विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए माताजी आज तृतीय दिवस के रात में सिंह वाहनारूढ़ा होकर के भक्तजनों के सामने आ रही हैं। भक्तजनों का डर किसी प्रकार से किसी दिशा से ना हो, क्योंकि भक्तजन हमेशा रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा की इच्छा रखना
जीवन गमन को बिना रोक के आगे बढ़ाना, यही सामान्य मानव का एक लक्ष्य, एक आशा, एक इच्छा होती है। इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम जहाँ पर विफल मानते हैं, शक्तिहीन मानते हैं, वहाँ भगवान के पास या देवी के पास जाते हैं और उसे उनसे शरण मांगते हैं। सुंदरी माधवी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। जन प्रिय श्री पद्मावती, सर्व प्रियंकरी श्री पद्मावती, सर्व रंजनी श्री पद्मावती, सर्व वशंकरी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी। भक्तजनों, पद्मावती जी सिंह वाहन आरूढ़ा होकर के तिरुवीथियों में अभी अभी निकली हैं। यहाँ पर एक बात हमें देखनी होगी। भगवान वेंकटेश्वर के सुप्रभातम में एक श्लोक है, कहा गया है, धाटी सुते विहगराज मृगादिराज नागादिराज गजराज हयादिराजा स्वस्व अधिकार महिमादिकमर्थयन्ते श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। वेंकटाचलपते से सुप्रभात कर श्लोक में स्पष्ट किया गया है, धाटीशुते विहगराज, विहगराज हम जानते ही हैं गरुड़ जी हैं, मृगादिराज, मृगादिराज और कौन हो सकते हैं, सिंह है, दूसरे नाम पर ही हम सिंह जी को देख रहे हैं, नागादिराज, नागादिराज आदिशेष है, गजराज गजेंद्र है, महालक्ष्मी के वाहन है, हम गजवाहन सेवा को विशिष्ट रूप में देखेंगे, हयादिराज अश्व है। ये सब ऐसे प्रतीक है जो भगवान के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दीजिए। प्रणम वंदे रमणम लक्ष्मीनाथ ಸಮಾರಂಭಾಚಾರ್ಯಂದ್ರಮರಂಬರಾಯಣೇಣ
भक्तजनों, अभी अभी जियर स्वामी जी और उनके शिष्य परिवार, उनके अनुयायी परिवार आपके सामने सात मुरे दिव्य प्रबंध गान किया है। दिव्य प्रबंध गान में यद्यपि वो तमिल भाषा में है, फिर भी भक्त जन अपनी ओर से जो भी आशा आकांक्षाएँ हैं भगवान को निवेदन करने की बात है। यह इस निवेदन से भगवान जीव की आत्मा की जो विशेष आकांक्षाएँ हैं स्पष्ट रूप से जानते हैं। यह सात मुरे हमेशा शोभा यात्राओं में एक विशेष अंश के रूप में रहता है, चाहे तिरुमल वेंकटेश्वर जी के ब्रह्मोत्सव में हो, चाहे पद्मावती जी के ब्रह्मोत्सव में हो। वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और उस विधान को आगे ले चलते हैं जहाँ पर भक्त जनों के मनों की आकांक्षाएँ स्पष्ट हो और भगवान से प्रार्थनाएँ भी स्पष्ट हो मानव जीवन की। भक्त जनों, अभी मैं कह रहा था जो अधिकार मांगना है, अधिकार हमें नहीं मिलता है, मांगना होता है। मांग किसके सामने हम रखेंगे? भगवान के सामने। इसीलिए जो भी अधिराज है, जैसे विहगराज गरुड़ जी हैं, मृगराज सिंह है, नागाधिराज शेष है, गजराज गजेंद्र है, हयाधिराज अश्वराज है, ये सब हम इन सबको वाहनों के रूप में देखते हैं और वे सब खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अपनी शक्ति दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए जिस शक्ति से हम मानव कल्याण के लिए उपयोगी बन सकें और मानव जीवन के साथ जुड़ सके। इतना ही नहीं, उनको किस प्रकार की रक्षाएं चाहिए वो रक्षाएं प्रदान करें। यही एक विशेषता है। आज हम सिंह वाहन पर विराजमान आरूढ़ा पद्मावती देवी को देख रहे हैं, उनका विशिष्ट रूप देख रहे हैं, उनका वह वैभव देख रहे हैं, सर्व आभरणों से युक्त होकर के माता भक्तों के सामने आ रही है। इतने होने पर भी एक बात स्पष्ट है कि वे उसी रूप में अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए सामने आए। हम जानते ही हैं एक नृसिंहावतार है, नृसिंहावतार में प्रहलाद की रक्षा के लिए वे खुद नहीं आ सकते विष्णु भगवान, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अनेक ऐसे वर प्राप्त किए थे जिनके साथ वे खुद भगवान भी सामने आकर के उनका संहार नहीं कर सकते, उनकी उनसे प्रहलाद को मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो वर दिए गए हैं उनके अनुरूप आ गए हैं। నాలి కోయినార సింహుడా నాలోనే నవ్వు వచ్చి నారసింహుడా నాలితనాలేటి కోయి నారసింహుడా నాలోనే నవ్వు వచ్చి నారసింహుడా నాలితనాలేటి కోయి నారసింహుడా సింహుడా చేరువని ప్రియములు చెప్పి చెప్పి నా మీద నారో సేవు వలపు నారసింహుడా సింహుడా నాలి తనాలేటి కో
भक्तजनों, हम जानते हैं भगवान के अवतारों में प्रथम चार अवतार जंतु समुदाय के साथ संबद्ध हैं। कहा गया है मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः। मत्स्य अवतार प्रथम अवतार है और कूर्मो कूर्मावतार द्वितीय अवतार है, वराह अवतार तृतीय है, नरसिंह अवतार चतुर्थ है और पंचम अवतार वामन है। इसके बाद अवतारों का क्रम तो चलता ही है। इन पांच प्रथम अवतारों में चार तो जंतु समुदाय के साथ है, उनकी शक्ति को पहचानिए और भगवान जिस रूप में जो धर्म की रक्षा करनी होती है उसके अनुकूल अवतरित रूप ग्रहण करते हैं और उनके रूप के अनुसार वो कार्य साधना करते हैं। हम जानते हैं मत्स्य अवतार और कूर्मावतार। कूर्मावतार में तो पृथ्वी को लाया गया और वराह क्षेत्र, तिरुमल क्षेत्र वराह क्षेत्र है। वराह स्वामी पृथ्वी को उभारने वाले हैं समुद्र में जब डूबा हुआ था। और नरसिंह के संबंध में नरसिंह जो है प्रहलाद के साथ जुड़ते हैं। और इन सब में एक बात हमें स्पष्ट होती है, धर्म का, पृथ्वी से संबंधित धर्म का जब कहीं भी नाश दिखाई देता है, पतन दिखाई देता है और कष्ट दिखाई देता है, उनके संदर्भ में धर्म की हानि लगती है तो वे स्वयं अवतारित होकर के भक्तों के सामने होते हैं। ऐसे अवतार लेते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है। और इनमें सिंहावतार एक विशिष्ट अवतार है जिसमें धर्म के अनुपालन में राक्षस वृत्ति का संहार करना है। राक्षस का संहार करना नहीं है, राक्षस वृत्ति का संहार करना है, इसीलिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। और इस अवतार लेने के साथ भी पीछे भी एक विशिष्ट उद्देश्य है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ऐसे वर मिले थे उनकी तपस्या के फल। कोई भी तपस्या करता है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है और मिले हुए फल को आप दुरुपयोग में, दुरुपयोग की दिशा में
ले जाते हैं तो वह हानिकारक होता है। जब हानिकारक अर्थात धर्म के साथ, धर्म को रोक में रोकने के लिए, धर्म के प्रचलन के लिए, धर्म मार्गों के बढ़ने के लिए और अहिंसा रूप में अपने धर्म को अनुपालित कराने के लिए जो चाहिए वह नहीं होता है, तो भगवान को अवतरित होकर के उनको शिक्षा देना, दंड देना आवश्यक होता है। एक तो शिक्षा देते हैं, नहीं तो दंड देते हैं। दंड देने के लिए पहली बार प्रथम अवतार नृसिंह अवतार है। वराह अवतार हो, वस्यावतार हो, कूर्म अवतार में वहाँ पर कोई दंड नहीं दिया गया। दंड देने का, धर्म नाश के कारण धर्म देने का जो पहला अवसर मिला था भगवान को, वह हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में जो धर्म का, धर्मानुष्ठान का, धर्म मार्ग का जो संघर्ष पनप रहा था और उसको दूर करने के लिए स्वयं नरसिंह के अवतार में आए। और इसमें एक ही बात है, दुष्टता का दलन, दुष्टों का दलन। दूसरी बात है दुष्टता का दलन भी चाहिए, दुष्टों के साथ दुष्टता का दलन हो और इसको सामान्य जन समझें, इसीलिए यह हुआ है। शिष्टों का रक्षण, शिष्टता का रक्षण, ये दोनों आवश्यक है। इन दोनों को समरूप में ले जाने के लिए भगवान जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में अवतरित होते हैं। और इसी रूप में देवी भी हमारे सामने आती हैं। देवी भी अपने रूप अनेक शक्तिशाली रूपों में प्रयुक्त होकर के भगवान के साथ ही चलती है, यही एक विशेषता है। चिल्ली हाँ
మాసము సెలవుల నిండి పలుచని నడుమున భయరసము చెల్లి హాస్య రసము సెలవుల నిండి పలుచని నడుమున భయరసము కలిగి వాడి కన్నుల వివచ్చ రసము అలవ మజంకనల అదే రౌద్రం కలికి వాడి కన్నుల వివచ్చ రసము అలవ మజంకనల అదే రౌద్రం శాంతరసం వదే అతి మోహము పదియవరసము సతిరతి మరపుల శాంతరసం వదే అతి మోహము పదియవరసము హితవుగ శ్రీ వెంకటేశ కూడితివి సతమయీమికు సంతోష రసము మగరి గగదమగ తరిని సని దపమగ పదస మగ పద సరి గరి సని దరి దస సని దరిని దస పద గప మగ పదస నవర సమూలది నళినాక్షి జవగట్టిని జవిశేసి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం శ్రీ పద్మావతీ దేవ్యై నమః. ఆజ్ కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ కా తీసరా దిన్ హై ఔర్ హమ్ ఆజ్ భగవతీ కో సింహవాహనారూఢ హోకర్ దేఖ్ రహే హై. భగవాన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర్ కీ సహధర్మచారిణి మాతా శ్రీ పద్మావతీ దేవి సింహవాహన్ పర్ ఆరూఢ హోకర్ భక్తజనోం కో దర్శన్ దే రహీ హై. యహాన్ దేఖియే కయీ ప్రకార్ కే వాద్య యంత్రోం కే సాథ్ ఔర్ కయీ ప్రకార్ కే నృత్యోం కో భీ హమ్ యహాన్ దేఖ్ సక్తే హై ఔర్ భక్తజన్ అప్నే అప్నే భక్తి కో ఇస్ రూప్ మే వే లోగ్ ప్రకట్ కర్ రహే హై. యహాన్ పర్ వృద్ధ భీ హై, మహిళాయే హై, బాలికాయే హై, పురుష హై ఔర్ సభీ ప్రకార్ కే యహాన్ పర్ ఆయు సే కోయీ భీ మతలబ్ నహీ హై. వే అప్నీ భక్తి కే ప్రదర్శన్ మే వే లోగ్ లీన్ హై ఔర్ మాతా పద్మావతి కో కయీ ప్రకార్ కే ఫూలోన్ సే ఔర్ కయీ ప్రకార్ కే గహనోన్ సే బహుత్ హీ సుందర ఢంగ్ సే శోభాయమాన్ రూప్ సే ఉన్కో సుసజ్జిత్ కియా గయా హై, అలంకృత్ కియా గయా హై ఔర్ ఇస్ తిరుచానూర్ దివ్య క్షేత్ర మే ఇస్ ప్రకార్ కే జులూస్ కో నికాలా జా రహా హై. దేఖియే ఉన్ ఉస్ భవ్య దివ్య రూప్ కే దర్శన్ మాత్ర సే హీ సభీ ప్రకార్ కే కష్ట్ దూర్ హో జాతే హై. కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ కే సందర్భ మే ప్రతిదిన్ సుబహ్ ఔర్ షామ్ కో భగవతీ వివిధ వాహనోం పర్ బైఠ్ కర్ బహుత్ హీ శోభాయమాన్ ఢంగ్ సే పురువీథియోం కీ పరిక్రమా కర్తే హుయే భక్తజనోం కో దర్శన్ దేతీ హై. యహ భక్తజన సందోహ్ కహనే సే భీ భక్తజనోం కే సంతోష్ కహనా ఉచిత్ హోగా. కితనే హీ ఇత్నీ రాత్ హో గయీ లేకిన్ బహుత్ హీ సంతోష్ కే సాథ్ ఆనంద్ ఏవం ప్రమోద్ కే సాథ్ వే లోగ్ అప్నే భక్తి కో ప్రకట్ కర్ రహే హై. యహ ఉత్సవ తో ప్రత్యేక్ వ్యక్తి కో ఆనంద్ మే డుబా దేతీ హై. కార్తీక మాస మే శుక్ల పంచమి శుక్రవార్ కో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర మే పద్మావతీ దేవీ కా జన్మ హువా థా. అలర్మేలు మంగా పద్మావతీ దేవీ కా దూసరా నామ్ హై. అలర్మేలు మంగా మే అలర్ కా అర్థ పుష్ప హై.
मेल का अर्थ ऊपर तथा मंगा का अर्थ है युवती, अर्थात पुष्प पर आसीन युवती। वह अन्य कोई नहीं, साक्षात देवी माँ भगवती लक्ष्मी ही है। यह अलरमेलु मंगा का शाब्दिक अर्थ है और हम उनके दर्शन से ही, यहाँ पर देखिए केरल वालों की ये एक प्रकार का नृत्य है, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्रों के साथ अपनी भक्ति को वे लोग प्रदर्शित करते हैं। और हम इस भक्ति को वल्लभाचार्य के शब्दों में हम देख सुन सकते हैं, जो वल्लभाचार्य ने भक्ति को दो प्रकार में बताया है। उनके अनुसार एक है मर्यादा भक्ति और दूसरा है पुष्टि भक्ति। जो भक्ति साधनों के सापेक्ष, भजन पूजन आदि साधनों की सहायता से प्राप्त होती है, वह मर्यादा भक्ति है। भगवान के अनुग्रह मात्र से उत्पन्न होने वाली साधन निरपेक्ष भक्ति यानी कि पुष्टि भक्ति अथवा रागात्मिका भक्ति कहलाती है। भगवद अनुग्रह की सिद्धि के लिए उत्कट प्रेम अनिवार्य है। भगवान से मिलन की आतुरता तथा उनके विरह में व्याकुल होना भक्त हृदय की विशिष्ट घटना है। यहाँ उसी प्रकार के विरह यानी कि भक्त अपने माता के दर्शन के लिए वे लोग बहुत ही कष्ट उठाए, फिर भी उस कष्टों को वे लोग अपने मन में नहीं लेते हैं, सिर्फ भगवती कब आएगी, उस ब्रह्मांड नायक की सहधर्मचारिणी कब आएगी, इस प्रकार के सोचते हुए वे लोग माता की निरीक्षण में लगे हुए हैं। माता को श्री के रूप में भी बुलाया जाता है, यानी कि श्री का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी को लोक माता अर्थात जगत जननी के रूप में भी पुकारा जाता है। श्री जो है वो एक अक्षर वाला नाम है। यह हम श्रीयत इति श्री ही, श्रयत इति श्री ही, अर्थात श्री महाविष्णु की स्वयं सेवा करते हुए खुद भक्त जनों द्वारा भी पूजित होने के कारण उन्हें श्री ही कहा गया और उनको श्रुणोतीति श्री ही, श्राव्ययति श्री ही। श्री अर्थात लक्ष्मी भक्त जनों के मनोकामनाओं को सुनकर श्रीपति यानी कि ब्रह्मांड नायक तक पहुंचाती है। కరుణించవయ్యామము కంభమురాయ పెరదేవుని కాలువ పెద్ద కంభమురాయ కరుణించవయ్యామము కంభమురాయ
Thank you.